एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। ये फैन फिक्शन एक ही पार्ट का था जो कि लंबा पार्ट था, तो आज इसका लास्ट पार्ट होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा फाइनली अपने भाई जेवोचुन से मिला एंड जेवोचुन लंजा को देखकर बहुत हैप्पी थे। उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। जेवोचुन के साथ साथ लंजा निये हुसैन एंड निये मिंजू के साथ भी मिला। लंजा जैसे ही अपने भाई से मिला, विंग को लगा कि अब लंजा को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो विंग वहाँ से चला गया। बट लंजा विंग के पास गया एंड उसे कहा कि चाहे उसके पास जो कोई भी रहे, विंग की ज़रूरत उसे हमेशा पड़ेगी क्योंकि विंग से वो प्यार करता है एंड चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गया। अब कुछ दिन बाद वहाँ पर टेंट पे बहुत सारे सेक्ट के लीडर्स आए। उन लोगों का एक मीटिंग होने लगा जहाँ पर जेवोचुन, निये मिंगजिए, बाकी सारे सिख लीडर्स जियांग चैंग, लंजा एंड विवुशन भी था। लंजा एंड विंग जियांग चैंग के पास ही खड़े थे। वो लोग प्लान को ध्यान से सुन रहे थे। प्लान सुन के लंजा को रियलाइज हुआ कि ये प्लान उन लोगों का लास्ट प्लान होगा क्योंकि ये अटैक उन लोगों का लास्ट अटैक होगा एंड होपफुली इस बार वो लोग जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत ही पावरफुल हथियार था एंड वो था विंग खुद। प्लान सुनकर लंजा को समझ में आया कि इस प्लान का मेन इंसान विंग है एंड उसका वेपन टाइगर सील है। इस लास्ट अटैक का, लास्ट वॉर का पूरी जिम्मेदारी विंग के कंधों के ऊपर है। विंग को ही मेन लीड लेना होगा। ये सोचते ही लंजा को बहुत ही एंजाइटी होने लगा क्योंकि वो विंग को नहीं खोज सकता। फाइनली उनका मीटिंग खत्म हुआ। अब शाम को वो लोग निकलने वाले थे वॉर के लिए। सब लोग रेडी हो रहे थे निकलने के लिए, तभी किसी ने लंजा के हाथ को पकड़ा। लंजा ने टर्न किया तो वहाँ पर याली खड़ी थी जो खुद भी टेंस थी। याली ने स्माइल किया और कहा, लंजन मेरे साथ चलो, हमें मेडिकल टेंट पे जाना होगा सारे मेडिकल्स को रेडी करने के लिए ताकि अगर कोई सोल्जर वुंडेड होकर आए तो हम उनका इलाज कर सके। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो टेंट पे रहेगा? उसने कहा। क्या? याली ने कहा, हाँ मुझे कहा गया है कि तुम यहाँ पर ही रहोगे। लंजा ने पूछा, एंड किसने कहा है? तभी याली ने एक जगह पर टर्न किया एंड वहाँ पर जेवोचुन एंड विंग खड़े थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। लंजा समझ गया कि इनमें से किसी एक ने ही याली को कहा है कि लंजा यहाँ पर रहेगा, वार्ड पे नहीं जाएगा, या फिर दोनों ने ही कहा है। लंजा ने सेकंड भी वेट नहीं किया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो उन दोनों के पास गया। उसने विंग के शोल्डर को पकड़ा एंड अपनी तरफ जोर से स्पिन किया। अब वो दोनों फेस टू फेस थे। लंजा ने स्टर्नली कहा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। विंग ने भी स्टर्नली कहा, नहीं तुम नहीं जा रहे हो। लंजा ने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ, इसमें मेरी माँ इन्वॉल्व है एंड मैं उन्हें बचाऊंगा। तभी जेवोचुन ने कहा, आजान वो मेरी भी माँ है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर लंजा ने जेवोचुन की तरफ देखा, फिर उसने फिर से विंग की तरफ देखा एंड ग्लेयर करने लगा। लंजा समझ गया कि विंग ने ही याली को कहा है कि लंजा नहीं जाएगा, लंजा यहाँ पर रहेगा। तो लंजा ने कहा, तुम मुझे इसलिए लेके नहीं जाना चाहते क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ, राइट? विंग ने अनोइंगली कहा, ऐसी बात नहीं है। लंजा ने कहा, तिन क्या बात है, मैं कोई वीक एंड हेल्पलेस ओमेगा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम रख सकते हो, बट ये डिफरेंट है। लंजा ने कहा, कैसे? विंग ने कहा, लंजा ये एक वार है, एक ऐसा वार जहाँ पर तुम कभी भी फाइट नहीं करना चाहते थे। लंजा ने कहा, तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मेरी माँ इन्वॉल्व्ड हैं एंड अब तुम मुझे इसलिए रोक रहे हो क्योंकि मैं, इससे पहले लंजा अपने बातों को कंप्लीट कर पाता, विंग ने कहा, क्योंकि मैं उतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ। विंग ने यह बात इतनी ज़ोर से कहा कि लंजा चुप हो गया। उन दोनों को देखकर जेवोचुन ने एक स्माइल किया। लंजा ने पूछा, क्या मतलब तुम स्ट्रांग नहीं हो? विंग ने शाई किया और कहा, लंजा मुझे फ्रंट लाइन पे रहना होगा, ये वार मेनली मैं एंड मेरा एमुलेट करेगा, सबको मेरी ज़रूरत है, मेरे एमुलेट की ज़रूरत है। तो अगर तुम उस वार में फाइट करोगे तो मैं कहीं भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढना चाहूंगा एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहूंगा, अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो। ये बोल के विंग चुप हो गया। बट विंग को फिनिश करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लंजा विंग के फेस से सब कुछ समझ पा रहा था। विंग के फेस में पेन था, डर था लंजा को लेकर। बट क्या विंग ये नहीं समझ पा रहा है कि लंजा के अंदर भी वही सेम डर है?
जैसे विंग लंजा को नहीं खो सकता, वैसे लंजा भी विंग को नहीं खो सकता। लंजे ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं भी तुम्हें नहीं खो सकता विंग। विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, लंजा मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम वीक हो। मुझे पता है कि तुम कितना पावरफुल हो एंड तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, मुझे ये भी पता है। ये सुनकर लंजा ने एक वीक स्माइल किया। विंग ने कहा, बट मैं ये रिस्क नहीं ले सकता लंजा, प्लीज़ यहाँ पर रहो एंड सेफ रहो। लंजा ने कहा, बट विंग मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर शांति से कैसे रहूँगा ये जानते हुए कि शायद तुम वापस नहीं आओगे मेरे पास। तभी ज़ेबुचुन ने कहा, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। ये सुनकर लंजा ने ज़ेबुचुन की तरफ देखा। ज़ेबुचुन ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज़ान, शायद तुम्हें पता नहीं बट इस दुनिया में भाई से ज़्यादा पावरफुल प्यार और शायद ही कोई कर सकता है। एक भाई का प्यार दूसरे भाई या फिर बहन के लिए बहुत पावरफुल होता है। ये बोलकर ज़ेबुचुन ने स्माइल किया एंड अपने एक हाथ को लंजा के शोल्डर पर रखा और कहा, मैं अपने भाई की हैप्पीनेस के लिए इस दुनिया को पलट सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड मेरा भाई का हैप्पीनेस वे गोंगजा है, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। लंजा ने एक डीप शाई किया एंड फाइनली नोट किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही सेफली वापस आए। ये सुनकर ज़ेबुचुन ने लंजा को टाइटली हक कर लिया एंड प्रॉमिस किया कि वो दोनों ही सेफली वापस आएंगे। ये बोल के ज़ेबुचुन वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ विंग एंड लंजा थे। जैसे ही वो दोनों अकेले हुए, विंग लंजा को किस करने लगा, बहुत ही हीटेड एंड डेस्परेट। फाइनली जब वो दोनों अलग हुए, लंजा ने कहा, ये हमारा लास्ट किस मत होने देना। विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर विंग ने लंजा के फ्रंट पर किस किया और कहा, लंजा तुम हमारे गार्डन, हमारे पेड़ पौधे एंड फार्म का प्लानिंग करो एंड अगर वो प्लानिंग हो जाए तो तुम हमारे कॉटेज को डिज़ाइन करो, ठीक है? तुम्हारे फिनिश करने से पहले ही मैं वापस आ जाऊँगा। लंजा ने नोट किया। लंजा के आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, आई लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू। एंड तभी उनका जाने का वक्त हो गया तो जियांगजन ने विंग को बुलाया एंड विंग वहाँ से चला गया। जाने से पहले उसने एक बार भी टर्न नहीं किया एंड लंजा उसे ब्लेम भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि अगर विंग टर्न करता तो शायद वो नहीं जा पाता। विंग तो चला गया पर लंजा वहाँ पर ही खड़ा था, डोर की तरफ देख रहा था। तभी नियोसन उसके पास आया। उसने कहा, वो ठीक रहेगा, वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग पर्सन है, ट्रस्ट मी। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा तो नियोसन उसे लेकर वहाँ से चला गया। लंजा ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने एक बार भी विंग को नहीं ढूंढा। उसने विंग के हेड पे वो रेड हेयर रिबन नहीं ढूंढा। उसने विंग को नहीं बुलाया, वो बस विंग के लिए वेट करने लगा। उसे पता है कि अगर वो चुपचाप बैठ के वेट करेगा तो वो नहीं रह पाएगा, उसे बिजी रहना होगा। तो वो मेडिकल टेंट पे चला गया। वहाँ पर वो ओमेगास को हेल्प करने लगा। जब वो सब कम हो गया तब वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगा एंड देन वो कॉटेज डिज़ाइन करने लगा जिसे वो एक दिन विभूषण के साथ शेयर करेगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, वो बहुत बेचैन हो रहा था, बट उसे पता है कि विंग ने प्रॉमिस किया है तो वो ज़रूर लौटेगा। देखते ही देखते टाइम बीतता चला गया एंड देन टेंट के डोर से सेलिब्रेशन का आवाज़ होने लगा। सारे लोगों के चीयर्स की आवाज़ होने लगे, जैसे कि सब लोग हैप्पी होकर जॉयफुल होकर टेंट के अंदर आ रहे हैं। ये देख के लंजा समझ गया कि वार खत्म हो गया है एंड वो लोग जीत गए हैं। बट लंजा के मन में चिंता था विंग को लेकर, तो वो दौड़ के टेंट के दरवाजे पर चला गया। टेंट में बहुत सारे सोल्जर्स वापस आ रहे थे, कोई ठीक थे, कोई टायर्ड थे, तो कोई इंजर्ड थे, बट लंजा का आईज सिर्फ विंग को ढूंढ रहा था। एंड फाइनली लंजा ने विंग को देखा। विंग डार्क कपड़ों में अपने भाई के ऊपर लीन ढोके टेंट के अंदर आ रहा था। उसका भाई जियांगजंग उसे टाइटली पकड़ के रखा था। लंजा दौड़ के विंग के पास चला गया। उसे रिलीफ भी फील हो रहा था एंड वॉरीड भी फील हो रहा था। उसने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हर्ट हो? ये सुनकर विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। लंजा देख सकता था कि विंग कितना पेल एंड वीक दिख रहा है, उसका आइस और भी डार्क दिख रहा है, वो बहुत ही वीक एंड टायर्ड दिख रहा था। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ लंजा। लंजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोलकर लंजा ने विंग को अपने बाहों में लिया एंड जियांगजंग को जाने दिया। लंजा ने कहा, क्या तुम अपने कल्टिवेशन की वजह से ऐसे हो, तुम्हारा हालत? विंग ने शाई किया और कहा, वो एम्यूलेट। लंजा ने एम्यूलेट की तरफ देखा और कहा, विंग
हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। देखो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, ये तुम्हें क्या कर रहा है। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखा और कहा, ठीक है लंजा, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। लंजा ने एक डीप शाई किया एंड नोट किया, क्योंकि विंग फाइनली सेफ है, विंग उसके पाहों में है, वो फिर से ये एमुलेट यूज़ नहीं करेगा, वो फिर से हर्ट नहीं होगा, इसका ख्याल लंजा रखेगा। जब लंजा से सोच रहा था, विंग लंजा को एक प्लेफुल लुक दिया और कहा, सच में लंजा, वार से लौटने के बाद क्या तुम मुझे ऐसे वेलकम करोगे। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड देन वो उसे किस करने लगा। इस किस के वजह से फाइनली उसका सारा एंजाइटी बाहर जा रहा था। फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने सेटिस्फाइड स्माइल किया और कहा, अब ठीक है। तो वहाँ पर नियोसन आया, उसने कहा, लंजा तुम्हारी माँ, जल्दी आओ। लंजा ने नोट किया एंड देन वो विंग को कैरी करते हुए बहुत जल्दी मेडिकल टेंट की तरफ जाने लगा, जहाँ पर उसकी माँ है। जैसे वो टेंट के अंदर गया, उसने देखा कि उसकी माँ एक बेड के ऊपर लेटी हुई है एंड वो अभी भी जिंदा है। लंजा ने विंग को एक बेड के ऊपर लेटाया एंड देन लंजा अपने माँ के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, माँ, बट उसकी माँ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लंजा ने अपनी माँ के हाथ को पकड़ा, उनकी माँ की हाथ अभी भी वार्म थी बट मूव नहीं कर रही थी। वहाँ पर जेबुचुन भी खड़े थे। जेबुचुन ने कहा, वांग जी, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है बट वो अभी बेहोश है। ये सुनकर रंजन ने जेबुचुन की तरफ देखा, वो सोच रहा था जेबुचुन का हालात कैसा हुआ होगा, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, वो इतने सालों बाद अपने माँ को देख रहे हैं एंड वो भी ऐसी हालत में। रंजन को बहुत बुरा लग रहा था। जेबुचुन ने कहा, उन्हें इंजरी तो हुआ है बट वो अभी भी जिंदा है, बट डॉक्टर श्योर नहीं है कि उनका होश कब आएगा। लंजन ने अपने माँ के फॉरहेड पे टच किया एंड प्रे किया ताकि वो जिंदा रहे एंड ठीक हो जाए। लंजन ने बहुत कोशिश किया ना रोने का, क्योंकि फाइनली उसे अपना फैमिली मिला है, अपना असली फैमिली, अपना पूरा फैमिली, एंड वो किसी को भी खोना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सोचते हुए वो उसी रात अपने माँ के पास ही सिर रख के सो गया। सुबह जब लंजा का नींद खुला, उसे फील हो रहा था कि कोई उसके हेयर को स्ट्रोक कर रहे हैं। उसे एक फैमिलियर सेंट फील हुआ। ये सेंट उसके लिए बहुत फैमिलियर है, बहुत डीप है, जिसे उसने बहुत मिस किया है। ये सेंट उसके लिए कंफर्टिंग है। तभी भी लंजा नींद में था, बट देन सडनली लंजा ने इस सेंट को पहचान लिया एंड जैसे उसे रियलाइज हुआ, वो जाग गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ का होश आ गया था एंड वो स्माइल कर रही थी। लंजा ने कहा, माँ? तो लंजा के माँ ने कहा, हेलो माई लिटिल बनी। लंजा ने अपने माँ के हाथों को पकड़ लिया एंड वो रोने लगा। फाइनली उसकी माँ ठीक है, फाइनली उसने कर दिखाया है, उसने अपने माँ को ढूंढ निकाला है, वो सेफ है एंड जिंदा है, लंजा को और कुछ भी नहीं चाहिए। लंजा को रोते हुए देख के उसकी माँ ने कहा, शांत हो जाओ आजान, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। फाइनली लंजा शांत हुआ। उसने कहा, आप कैसे हो? उसकी माँ ने शाई की और कहा, टायर्ड हूँ, बॉडी में पेन है बट रिलीव हूँ कि मैं सेफ हूँ। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया। उसकी माँ ने पूछा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे हो? तुम कॉटेज से अकेले निकले हो एंड तुमने ये किसका कपड़ा पहना है? मैं ये पहचान नहीं पा रहा। तभी लंजा को रियलाइज हुआ कि वो विंग का आउटर रोब पहना हुआ है। रात को से ठंड लग रही थी एंड वो विंग को मिस भी कर रहा था, तो उसने विंग के आउटर रोब को पहन लिया था। विंग के बारे में सोचते ही लंजा को अच्छा लगने लगा, तो उसने कहा, माँ, मुझे ऐसा करना था, मुझे आपको ढूंढना था एंड मैं अकेला नहीं था, मोस्ट ऑफ माई जर्नी मैं अकेला नहीं था। उसकी माँ ने पूछा, देन तुम्हारे साथ कौन था? इससे पहले लंजा कहता था कि उसके साथ उसका प्यार विभूषियान था। तभी उस टेंट पे जेबुचुन आए। जेबुचुन ने कहा, आजान क्या तुम? ये बोलते हुए जेबुचुन रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी माँ की होश आ गई है। अपने माँ को देखकर जेबुचुन बिल्कुल चुप हो गए थे एंड जेबुचुन को देखकर लंजा की माँ ने विस्पर करते हुए कहा, आहुआन। जेबुचुन ने कहा, माँ। जेबुचुन ने ये बात फुल इमोशन के साथ कहा था। उसकी माँ ने अपनी बाहें फैलाई एंड जेबुचुन दौड़ के अपनी माँ के पास आए एंड उन्हें हक कर लिया। उनके माँ ने उन दोनों को ही हक कर लिया।
और कहा, मेरे दोनों बेटे, मेरे स्वीट बॉय आहुआन, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हारे माँ ने तुम्हें बहुत मिस किया है। आई एम रियली सॉरी। ये सुन के ज़ेबोचू ने सिर्फ माँ कहा और कुछ भी नहीं। उनके आंखों से आंसू निकल रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो लोग अलग हुए, ज़ेबोचू ने कहा, बट माँ क्यों? ये बोल के ज़ेबोचू चुप हो गए। वो और कुछ भी नहीं कह पाए। वो नहीं पूछ पाए कि वो क्यों चली गई थी। उन्होंने ज़ेबोचू को अपने भाई से अलग क्यों रखा था। वो ज़ेबोचू को भी अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई थी। ज़ेबोचू को ये सब पूछना नहीं पड़ा, बट उनकी माँ समझ गई थी। उनके माँ ने शाय किया एंड ज़ेबोचू के हाथ को पकड़ा और कहा, जब मुझे पता चला कि आज़ान एक ओमेगा है, मुझे पता था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता, आई मीन घुसू में, क्योंकि मुझे पता था कि अगर घुसू में सबको पता चल गया कि वो एक ओमेगा है तो उसकी जल्दी शादी करवा देंगे, एंड मैं डर गया था कि शायद उसे भी मेरी तरह लॉक कर दिया जाएगा। ये सुनकर लंजन ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट ज़ेबोचू समझ पा रहे थे तो उन्होंने नोट किया, क्योंकि ज़ेबोचू अपने सेट को जानते हैं। उनके माँ ने कहा, इसलिए उस रात को हमें वहाँ से जाना पड़ा, बट मैं तुम्हें भी लेके जाना चाहती थी। मैं वापस आई थी तुम्हें लेके जाने के लिए, बट कुछ डिसिबल्स ने मुझे देख लिया था एंड मुझे वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि अगर मुझे वो लोग पकड़ लेते तो मुझे पनिशमेंट तो मिलता ही, साथ में मुझे अपने दोनों बच्चों से दूर कर दिया जाता। मैं कहीं भी तुम दोनों से नहीं मिल पाता। ये सुन के ज़ेबोचू की आंखों में आंसू आ गया। उनकी माँ ने कहा, आहुआन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे तुम्हें छोड़ के आना पड़ा। मैं श्योर था कि तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे। मुझे माफ़ करना आहुआन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें फेल कर दिया है। ये सुन के ज़ेबोचू ने एक स्माइल किया। उन्हें फाइनली ये सुन के रिलीफ फील हुआ कि उनकी माँ उसे छोड़ के क्यों गए थे। उनके माँ के पास एक वैलिड रीज़न था। तो ज़ेबोचू ने कहा, आपने हमें फेल नहीं किया है एंड मैं आपको हमेशा ही माफ़ कर सकता हूँ। आप मेरी माँ हैं एंड मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे छोड़ के क्यों गए थे। एंड अगर मुझे तब पता होता कि आप आज़ान को बचाने के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो मैं तब भी आपको माफ़ कर देता एंड मैं खुद आपको बोलता कि आप आज़ान को लेकर वहाँ से चले जाइए। ये बोल के ज़ेबोचू ने अपने भाई की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड उसके हाथ को पकड़ा और कहा, अभी आप दोनों यहाँ पर हैं, हम फिर से एक फैमिली बन गए हैं एंड हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं। ये सुनकर उनकी माँ रोने लगी एंड उन दोनों को उन्होंने हग कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा क्या काम कर दिया था जो मुझे इतने अच्छे बेटे मिले हैं। तभी उस टेंट पे विंग आया। उसने कहा, लंजा मैं तुम्हारे लिए, ये बोल के विंग चुप हो गया। अपने सामने के सीन को देखकर वो नर्वस हो गया। उसने नर्वसली हंसते हुए कहा, आई थिंक मुझे और सूप लेके आना चाहिए था। विंग को देखकर लंजा के माँ ने पूछा, ये कौन है? ज़ेबोचू ने टीस करते हुए कहा, माँ लगता है आपके गैर हाजिरी में आज़ान ने अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है शादी करने के लिए। ये सुन के लंजा ने कहा, भाई। तभी उसके माँ ने कहा, शादी एक अल्फा? उसके माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। तो लंजा ने कहा, माँ ये बाकी अल्फाज की तरह नहीं है, ये अच्छा है, काइंड है। इसने मुझे आपको ढूंढने में हेल्प किया है एंड पूरे जर्नी में इसने मुझे हेल्प किया है, प्रोटेक्ट किया है। उसकी माँ ने विंग को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने कहा, मेरा नाम विंग है, कर्टसी नेम विवुशियान एंड मैं जियांग सेक्ट के हूँ। ये बोल के विंग ने सूप के बोल को लंजा के हाथों में दिया एंड एक प्रॉपरली वो किया। लंजा की माँ ने कहा, वी तुम्हारा मतलब चंग से सनरिन का बेटा? विवुशियान ने कहा, आप मेरे माँ को जानते हो? लंजा की माँ ने कहा, हमारे यूथ में हम दोनों एक साथ नाइट हंट करते थे, देन वो अपनी मास्टर बाओशन सरन के पास चली गई एंड मेरा लान सिक में शादी हो गया। पर मैंने सुना था कि उसकी भी शादी हो गई थी वेई चंगजे से, जियांग सेक्ट से। विंग ने कहा, हाँ वो मेरे पापा हैं। लंजा के माँ ने नोट किया एंड फाइनली स्माइल किया। उन्होंने कहा, चंगजे सरन का कोई भी बेटा मेरे घर पे हमेशा वेलकम है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा विवुशियान। ये सुन के फाइनली लंजा ने स्माइल किया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा।
लंजे के माँ ने साफ साफ तो कुछ कहा नहीं है, बट लंजे को पता है कि उसके माँ ने वुइंग को एक्सेप्ट कर लिया है। दिन वो तीनों वहाँ पर बैठ के लंजे के माँ के यूथ के स्टोरीज सुनने लगे। दिन कुछ ही दिनों में नाइटलेस सिटी में एक फ्लावर बैंक्वेट रखा गया जीत की खुशी में, एंड उस दिन लंजे ने प्योर गुजुआ कपड़ा पहना था, जैसे कि वाइट सिल्क रोब्स जहाँ पर बहुत सारे लेयर्स थे एंड जो कि बहुत ही सॉफ्ट भी थे। लंजे के भाई ने लंजे को खुद रेडी किया था। लंजे के हेयर को बिल्कुल प्रिंस की तरह टाई किया गया, वो भी जेट हेयर पिन के साथ, एंड इन द एंड लंजे को वाइट रिबन पहनाया गया उसके फॉरहेड पे, जो कि गुशु का निशानी है। ज़ेबुचुन ने कहा, ये लो, अब तुम प्रॉपर लर्न डिसिप्लिन रख रहे हो। उसने अपने आप को मिरर में देखा एंड उसने सोचा कि वो लर्न डिसिप्लिन की तरह लग रहा है, बट अंदर ही अंदर वो शायद ही कभी लर्न डिसिप्लिन बन सकता है। फाइनली वो अपने भाई के साथ हॉल के अंदर गया। आसपास के सारे लोग उन्हें ही देखने लगे, बट लंजा सिर्फ विंग को ही ढूंढ रहा था। एंड फाइनली उसे विंग दिखा। विंग अपने भाई एंड बहन के साथ साइड में बैठा हुआ था। उसने लंजा को देखकर अपने हाथ को वेव किया एंड स्माइल किया। लंजा ने भी विंग की तरह अपने हाथ को वेव किया। दोनों को ऐसे देखकर ज़ेबुचुन ने लंजा को टीस किया। देन लंजा एंड ज़ेबुचुन भी अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गए। फाइनली बैंक्वेट स्टार्ट हुआ। सारे सेक्ट ने अपने अपने तरफ से कोई ना कोई अनाउंसमेंट किया, तो ज़ेबुचुन ने भी अपने सेट की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ट्विन जेट ऑफ गुसु वापस आ गए हैं। ये मेरा भाई है, द यंगेस्ट जेट लांग वांग जी। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए, चीयर करने लगे। कोई कह रहा था, ये ट्विन जेट है, ये बिल्कुल अपने भाई की तरह दिखता है। हाँ, कितना हैंडसम है, आई थिंक ये हैंडसमनेस में जिनशन को भी हरा देगा। तभी किसी और ने कहा, हाँ, क्या आप लोगों को पता है कि सिगलेरा याओ का डॉटर अभी भी अनमैरिड है, शायद कोई बात बन सकता है। तो किसी और ने कहा, आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर भी होगा। सबके से अटेंशन पाके लंजे को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था जब वो इतने अटेंशन के बीच में था। वो बार बार विंग को देख रहा था, तब उसने देखा कि विंग सारे क्राउड को देख रहा है एंड उसकी आंखों में जेलसी है, गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से सब लोग लंजे को देख रहा था, विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंजे ने देखा कि विंग ने अपने आँखें बंद किया एंड अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश किया। लंजे को किसी और से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ विंग के ओपिनियन का केयर करता है। लंजे को ऐसे देख के ज़ेबुचुन ने कहा, सॉरी, क्या कुछ ज़्यादा हो रहा है? लंजे ने अपने हेड को शेक किया। फाइनली वो बैंक्वेट कंटिन्यू रहा। वहाँ पर म्यूजिक बज रहे थे, डांसर्स थे, सब लोग खाना खा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ा बैंक्वेट था जिन सेट के तरफ से। इस बैंक्वेट में बहुत सारे लोग लंजे के पास आए अपने आप को ऑफर करते हुए, बट ऑफकोर्स लंजे ने सबको रिजेक्ट कर दिया। एंड थैंकफुली आसपास विंग नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पर विंग होता, लंजा श्योर है कि विंग यहाँ पर एक वार ही स्टार्ट कर देता। तभी लंजे के पास एक ड्रंक जीन डिसिपल आया। उसने लंजे को एक कप वाइन ऑफर किया और कहा, चलो लांगवांग जी, तुम्हारे साथ एक टोस्ट करते हैं। एंड तभी वहाँ पर विंग आया। विंग ने कहा, जीन जिशुन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग के वॉइस को सुनकर लंजा चौंक गया। उसे पता नहीं था कि विंग यहाँ पर ही है। विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना कि लंग डिसिपल्स ड्रिंक नहीं करते। तभी जिन निशुन ने कहा, वी विशियन, इसे तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। विंग ने कहा, ऑफकोर्स मुझे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक डिसिपल को बुली कर रहे हो। तभी जिन निशुन ने कहा, मैं उसे बुली कर रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं कर रहा, उससे पूछो। जिन निशुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हे लांगवांग जी, क्या तुम मेरी वजह से अपसेट हो? ये बोल के जिन निशुन अपने अल्फा सेंट को स्पेयर कर रहा था, जो लंजा एंड विंग दोनों ही समझ पा रहे थे, एंड ये सेंट लंजा के ऊपर इफेक्ट भी कर रहा था। ये देख के विंग बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम ये क्यों? इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा समझ गया कि विंग बहुत गुस्सा हो रहा है, उसके अंदर का अल्फा बाहर आ रहा है। तो लंजा को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं चाहता था, तो उसने जिन निशुन के हाथ से वो वाइन लिया एंड पी लिया। ये देख के पूरा रूम साइलेंट हो गया। लंजा ने वो ग्लास जिन निशुन को वापस दे दिया और कहा, ये लो, मैंने ड्रिंक कर लिया है, अब मुझे अकेला छोड़ दो। ये देख के जिनिशुन ने कहा, क्या? तभी वहाँ पर ज़ेबुचुन आए। ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? लंजे ने कन्फ्यूज होकर कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ है? विभीषण ने कहा, लर्न डिसिबल्स ड्रिंक नहीं करते, क्योंकि उनका अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही लो है। लंजे ने कहा, ओ, एक्चुअली अंकल जाओ बहुत ड्रिंक करते थे, तो मैं भी कभी कभी उनके साथ ड्रिंक कर लिया करता था,
तो मुझे आदत है। ये सुनकर जिनशुन ने कहा, देन प्लीज एक और बार। इस बार विंग ने कहा, क्या लंजर ने तुम्हें नहीं कहा उसे अकेला छोड़ने के लिए? जिनशुन ने कहा, विभूषियन तुम अपने को क्या समझते हो? तुम्हारे पास एक फैंसी एमुलेट है तो क्या तुम हमसे सुपीरियर हो गए? तुम अभी भी एक सर्वेंट का बेटा हो एंड एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो। तुम सबसे वर्स हो। ये सुनकर अब लंजर को गुस्सा आ गया। वो अपने चाकू निकलने ही वाला था, तभी किसी और ने कहा, बहुत हुआ जिनशुन। ये वॉइस जिन गुआंगशंग का था। ये सुनकर जिनशुन वहां से चला गया, अपने सिर पर जाकर बैठ गया, वो भी गुस्सा होकर। जिन गुआंगशंग ने कहा, वे गुआंगजा, ये बात तो सच है कि आपके कल्टिवेशन से मैं कंसर्न्ड हूँ, स्पेशली वो एम्यूलेट। ये सुनकर पूरा रूम बातें करने लगे। कोई कह रहा था, हाँ वो डेमोनिक पाथ फॉलो करता है, तो कोई और कह रहा था वो एक डिसग्रेस है। किसी ने कहा, जियांग सेट को उसे वहाँ से निकल देना चाहिए, तो किसी और ने कहा, वो एम्यूलेट उसे बहुत ही पावर देता है, क्या होगा अगर उसने उस एम्यूलेट को हमारे ऊपर यूज़ किया? तो किसी और ने कहा, आई थिंक वो सेकेंड वेन रोहन बन जाएगा। ये सब सुन के विंग का गुस्सा बढ़ रहा था। लंजर देख सकता था कि विंग कितना गुस्सा हो रहा है। अब लंजर को समझ में आ रहा था कि विंग इतना रिजेक्टेड, इतना फियर क्यों फील करता है। विंग कोई मॉन्स्टर नहीं है, बट ये वर्ल्ड उसे जानबूझ के मॉन्स्टर बना रहा है। तभी वहाँ पे जियांग चेन ने कहा, बहुत हुआ, विभूषियन जियांग सेट का पार्ट है, वो हमारे हेड डिसिपल है एंड वो कंटिन्यू नॉर्मल कल्टिवेशन फॉलो करेगा। तभी किसी और ने कहा, तुम्हें पता है ना वो क्या कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी नॉर्मल कल्टिवेशन फॉलो करेगा। तो किसी और ने कहा, तुम तो ऐसा कहोगे ही क्योंकि तुम्हारे साथ उसके एम्यूलेट एंड वो खुद है, तो तुम पावरफुल हो गए एंड शायद तुम भी उसको हमारे ऊपर यूज़ करोगे। सब लोग जोर जोर से यही बोल रहे थे कि वो एक डाउनफॉल है, वो कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए डेंजर है, वो सबके लिए थ्रेट है। तभी जिन गुआंगशन ने कहा, बहुत हुआ। ये बोल के जिन गुआंगशन ने विंग की तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर वी, आप हमारे कंसर्न को समझ सकते हैं। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजर ने कहा, क्या होगा अगर उसने ये कल्टिवेशन वर्ल्ड छोड़ दिया तो? ये सुन के सब लोग फ्रीज हो गए। जिन गुआंगशन ने कहा, क्या? लंजर ने कहा, आप लोग इसलिए वरीड है ना कि वो कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए डेंजर है, तो अगर उसने कल्टिवेशन वर्ल्ड छोड़ दिया तो? पूरा रूम साइलेंट हो गया। जिन गुआंगशन ने कहा, आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, बट हम कैसे सियोर होंगे कि वो कल्टिवेशन वर्ल्ड छोड़ने के बाद यहाँ पर वापस नहीं आएगा? लंजर ने कहा, मैं श्योरिटी देता हूँ। ये सुन के पूरा रूम साइलेंट हो गया। किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। विंग ने लंजर के हाथ को पकड़ा एंड वो रूम से निकल गया। रूम के बाहर आकर विंग ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? लंजर ने कहा, प्रपोज कर रहा हूँ। विंग ने साई करते हुए कहा, क्यों? लंजर ने कहा, विंग शायद मेरे पास गोल्डन कोर है, बट मैं कोई कल्टिवेटर नहीं हूँ एंड मैं उस घर को जानता भी नहीं हूँ जिस घर पे मुझे लेके जाया जाएगा। मैं ना ही वहाँ के रूल्स को जानता हूँ और ना ही वहाँ के लोगों को। मैं तो जानता हूँ मेरे कॉटेज को, मेरे रैबिट्स को, मेरे फील्ड को, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। ये बोलकर लंजर ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें कल्टिवेशन वर्ल्ड को छोड़ने के लिए, बट ये वॉर खत्म हो चुका है विंग, अब इसकी क्या ज़रूरत है? विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजर को देखा और कहा, लंजर क्या तुम इसलिए प्रपोज कर रहे हो ताकि तुम मुझे बचा सको? ये सुनकर लंजर ने क्लियर किया और कहा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें शादी नहीं करना चाहता तो तुम एक इडियट हो। ये सुनकर विंग चौंक गया एंड लंजर ने स्माइल किया। लंजर ने कहा, मुझे पता है कि मैं तुम्हें उस लाइफ के ऊपर गिव अप करने के लिए कह रहा हूँ जिस लाइफ को तुम जी चुके हो बहुत टाइम तक, बट विंग मैं चाहता हूँ कि तुम हैप्पी रहो, सेफ रहो, एंड आई होप कि तुम मेरे साथ हैप्पी एंड सेफ रहोगे। ये सुनकर विंग ने लंजर के फेस को पकड़ा और कहा, लंजर तुम ऑलरेडी मुझे हैप्पी कर रहे हो। ये सुनकर लंजर ने स्माइल किया एंड वो विंग के हाथों में लींड हो गया। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, लंजर मैं टायर्ड हूँ, मैं सच में बहुत ही टायर्ड हूँ। ये सारे वॉयसेस एक टाइम पे मुझे कंफर्ट करते थे, इन पावर्स ने मुझे रिवेंज लेने में हेल्प किया था, बट अब ये बहुत ही लाउड एंड हेटफुल हैं। मैं अब ये वॉयसेस सुनना नहीं चाहता, मैं अब फाइट नहीं करना चाहता, मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। लंजर ने कहा, विंग तुम किसी के ऊपर भी कर्जदार नहीं हो, हम सबसे दूर रहेंगे, बट हाँ हम हमारे फैमिली से ज़रूर मिलेंगे, हम किसी भी सेट के पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे,
हम फ्री रहेंगे, फ्रीली जिएंगे, सबसे दूर, सारे पॉलिटिक्स से दूर। अब विंग ने फाइनली स्माइल किया। उसने कहा, मुझे ये प्लान अच्छा लगा। ये बोलकर विंग ने लंजे के फॉरहेड पे किस किया, देन उसके नोज में, देन उसके चीक्स में, देन उसके जॉ में, एंड देन उसके नेक में, एंड फाइनली उसके लिप्स में। विंग ने पूछा, क्या तुमने हमारे कॉटेज को ड्रॉ किया है? लंजा ने कहा, ये टेंट पे है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। ये सुनकर विंग का आइज डार्क हो गया। उसने कहा, ज़रूर। एंड फाइनली वो लोग अपने टेंट में वापस चले गए। वो लोग फिर से बैंक्वेट में नहीं लौटे। देन नेक्स्ट डे लंजा ने सबके सामने अनाउंस किया कि वो एंड विविशियन एंगेज्ड हैं एंड ज़रूर शादी करेंगे, वो भी बहुत जल्दी। ये सुनकर पूरा रूम शॉक्ड हो गया था। लंजा ने कहा, विविशियन ऑफिशियली जैन सेक्ट छोड़ देगा एंड मैं ऑफिशियली लान सेक्ट ज्वाइन नहीं करूँगा। ये सुनकर पूरा रूम और भी साइलेंट हो गया। सब लोग विस्फर करते हुए कह रहे थे कि उन्हें अभी अभी सेकेंड जेठ मिला है एंड वो अभी चले जाएंगे, वो भी विविशियन के लिए। वो अपने सेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एंड अगर वो जीएन सेक्ट में नहीं जाएंगे तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे? लंजे सब कुछ सुन रहा था एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि साइलेंट था एंड जेंग चेंग की बातें सुन रहा था एंड जेंग चेंग जो कि बहुत ही गुस्सा दिख रहा था। इस तरह जेबुचू ने लंजे से पूछा, आजान क्या तुम श्योर हो? लंजे ने कहा, हाँ भाई, आप मेरे फैमिली हो बट गुस्सू मेरा घर नहीं है। मैं विंग के साथ एक नए घर में रहना चाहता हूँ जहाँ पर हम दोनों शांति से रह सकते हैं। ये सुनकर जेबुचू ने एक साइड स्माइल किया। उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूँ बट तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमसे मिलने आओगे। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। जेबुचू ने एक ब्राइट स्माइल किया। फिर उन्होंने सबके सामने अनाउंस करते हुए कहा, लान सेक्ट इस शादी को सपोर्ट करता है। पूरा रूम साइलेंट हो गया। कुछ टाइम बाद जेंग चेन ने कहा, जेंग सेक्ट भी इस शादी को सपोर्ट करता है। ये सुनकर सब लोग जिन गुआंगशंग को देखने लगे क्योंकि वही था जो इतने टाइम से सबको उकसा रहा था विविशियन के ऑपोजिट में। एंड अब उसका फेस बिल्कुल स्टर्न हो चुका था, फ्रीज हो चुका था। कुछ टाइम बाद उसने कहा, देन आई थिंक सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट उस एमुलेट का क्या? विंग ने कहा, लान सेक्ट का बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है जो दुनिया का बेस्ट लाइब्रेरी है। मैं ये एमुलेट उनके ऊपर छोड़ दूंगा एंड मैं इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके साथ ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ये सुनकर जेबुचू ने वो किया और कहा, वे गोंगजा, हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करने के लिए हम ऑनर्ड हैं। विंग ने भी वो किया। देन विंग ने जिन गुआंगशंग की तरफ देखा और कहा, वेल अब ठीक है ना? ये सुनकर पूरा रूम कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गया एंड देन सब लोग चीयर करने लगे न्यू कपल के लिए। देन लंजन अपने हस्बैंड की तरफ देखा जो स्माइल कर रहा था। फाइनली उनके लिए सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ओवर हो गया है। अब 2 साल बाद ऑटम चल रहा था। लंजा प्रेग्नेंट था। वो कॉटेज के बाहर खड़ा था अपने फाइन सिल्क के कपड़े पहने हुए, जो कपड़े उसके भाई ने उसे गिफ्ट किया था, जो वो हमेशा ही करते हैं। जब भी जेबुचू उनसे मिलने के लिए आते हैं वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। लंजा चुपचाप खड़ा था एंड उसे फील हो रहा था कि उसका बेबी उसे किक कर रहा है। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। लंजा वहाँ पर खड़े हुए उसके सामने फील्ड को देख रहा था जहाँ पर विंग फार्मिंग कर रहा था, जहाँ पर विंग का अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड था एंड स्वेटी था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो दौड़ के विंग के पास जाए एंड उसे टच करे, बट लंजा विंग के वापस आने का वेट करेगा। देन वहाँ पर विंग को देखते हुए लंजा पुराने दिनों की बातों को सोचने लगा। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। वार के बाद लंजा एंड विंग का जर्नी इजी नहीं था। उनके एंगेजमेंट के बाद विंग को जैन सेक्ट लौटना पड़ा था। लंजा को पता है इसमें विंग का फॉल्ट नहीं है क्योंकि वो भी उसका घर है, वो अपने घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। एंड विंग ने प्रॉमिस किया था कि वो जैन सेक्ट को रिबिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो जब विंग जैन सेक्ट में था तब लंजा गुसू में आया था अपने माँ के साथ। एंड तब जेबुचू ने लंजा को बेग किया था कि वो अपना कॉटेज गुसू के पास ही बनाए। इनफैक्ट जेबुचू ने लंजा को एक लैंड भी दिया था ताकि वो लोग वहाँ पर कॉटेज बना सके। ये सुन के लंजा ने विंग के पास एक लेटर भेजा था एंड विंग ने भी इस बात को एग्री किया था क्योंकि विंग चाहता था कि लंजा बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिला है तो वो फैमिली से थोड़ा सा पास ही रहे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। दिल लंजा ने एंड उसकी माँ ने एक कॉटेज बनाया। दिल लंजा एंड उसकी माँ अपने गुस्सू से निकल के कॉटेज में आकर रहने लगे। दिन उन लोगों ने एक और कॉटेज बनाया जो उसके माँ के कॉटेज के पास ही था क्योंकि शादी के बाद
लंजा अपने माँ से अलग रहने वाला है विंग के साथ। तीन कॉटेज में शिफ्ट होने के बाद लंजा की माँ अपने बनाए हुए परफ्यूम्स एंड पाउचेस शाई टाउन में सेल करने लगी, जहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी बना भी लिया था ओमेगास का। देन फाइनली लंजा एंड विंग का शादी हुआ। ये शादी बहुत ही धूमधाम से हुआ। उनका शादी गुसू में हुआ एंड उनका सेलिब्रेशन लोटस पियर में हुआ। ये शादी के डेज लंजा के लिए उसकी जिंदगी का बेस्ट डेज था। फ्लैशबैक खत्म होता है। जब लंजा इसे सोच रहा था तभी दौड़ के उसके पास आयुवान आया। उसने लंजा के लेग को हक कर लिया। आयुवान जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। नाइटले सिटी से निकलने के बाद लंजा एंड उसकी माँ कुछ रिफ्यूजी वेंस से मिले, जिनके ऊपर वर्क की वजह से बहुत ही भारी असर पड़ा था, जो कि इनोसेंट थे। बट लंजा की माँ को पता था कि अगर बाकी वर्ल्ड को पता चला कि ये वेंस है तो वो लोग इन्हें मार डालेंगे। तो लंजा ने एक प्लान बनाया। लंजा के प्लान के मुताबिक वो लोग सिर्फ एक रिफ्यूजी थे जो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। लंजा के माँ ने इस प्लान में लंजा का साथ दिया एंड उन लोगों ने लानसेट को भी इसमें कन्विंस किया। हालांकि उन लोगों को पता था कि जेबुजुन सब कुछ समझ चुके हैं, पर जेबुजुन ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सबका साथ दिया। तो अब वो वेंस भी उन लोगों के साथ कॉटेज में रहते हैं, स्पेशली लंजा के माँ के साथ। वो लोग भी फार्मिंग करते हैं, बेचते हैं। उन लोगों ने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है ताकि किसी को पता ना चले कि वो लोग वेंस हैं। एंड वेंचिंग के कन्विंस करने के बाद विविशियन ने एंड लंजा ने आयुवान को अडॉप्ट कर लिया है। तो आयुवान लंजा एंड विंग के साथ उनके कॉटेज में रहते हैं एंड आयुवान बहुत हैप्पी था कि अब वो बहुत जल्दी एक बिग ब्रदर बनने वाला है। तो अभी आयुवान लंजा के पास आए। आयुवान ने कहा, आ जाए, क्या मैं बनिस के साथ खेल सकता हूँ? तो लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स माय लिटिल बनी। ये सुनकर आयुवान बहुत खुश हो गया एंड वो बनिस के साथ खेलने लगा। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद विंग कॉटेज के अंदर आया। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। आयुवान ने विंग को हग एंड किस करके वेलकम किया। विंग को स्माइल करते हुए देख के लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा श्योर है कि विंग यहाँ पर बहुत हैप्पी है, क्योंकि लंजा विंग को समझ सकता है। लंजा जानता है कि विंग इस लाइफ से रिग्रेट नहीं करता, वो इस लाइफ से हैप्पी है, लंजा के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने फ्यूचर चाइल्ड के साथ, इसी कॉटेज में सबसे दूर। ये लाइफ उनके लिए बेस्ट लाइफ है। विंग लंजा के पास आया एंड वो दोनों किस करने लगे। फार्मिंग करने की वजह से विंग का पूरा बॉडी डर्टी था, स्वेटी था, बट लंजा को फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों किस करने लगे। देन लंजा एंड विंग एक ही साथ वहाँ पर बैठ गए एक बेंच के ऊपर एंड वो लोग अपने बेटे आयुवान को सनसेट में खेलते हुए देखने लगे। फाइनली वो लोग एक हैप्पी फैमिली है, सिर्फ हैप्पी नहीं बल्कि हैप्पीएस्ट। ये लाइफ उनके लिए बहुत ही खूबसूरत लाइफ है, एक सिंपल लाइफ है। लंजा सोच रहा था कि शायद बहुत साल पहले वो अपने चाइल्डहुड होम से भाग गया था अपनी माँ के साथ, बट शायद ये भागना नहीं था, शायद ये उसका लाइफ था। एंड अब वो अपने हस्बैंड के आर्म में है, उसके बाहों में है, उसके सेंस से सराउंडेड है। तो अगर वो नहीं भागता अपने माँ के साथ तो शायद ये लाइफ उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो एक्चुअली वो भाग नहीं रहा था बल्कि वो अपने घर की तरफ जा रहा था, जो उसका रियल घर है। एंड इस तरीके से एक हैप्पी फैमिली के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टर रिक्वेस्ट, बाय।